नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारा जो YouTube चैनल है वाई फाई टीच वाला, पूरे भारत का एकमात्र ऐसा चैनल जो कंप्यूटर की है, जो हर कंप्यूटर से जुड़ी जानकारी आपको देता है और आपकी हर कहीं हेल्प करता है। चाहे आप कहीं भी जॉब करते हो, कंप्यूटर आपका कोई काम अटक जाता है तो नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हैं और साथ में वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उससे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल मैंने भी पहले वीडियो बनाया था, दोबारा फिर वीडियो बना रहा हूँ मैं। ये CWP 22043 और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से जो लेटर जारी हुआ था कि हरियाणा में जो वैकेंसी है स्टाफ सिलेक्शन में किन किन डिप्लोमा को वैलिड माना जाता है, क्योंकि काफी कंप्यूटर सेंटर है जो आपका डिप्लोमा स्टाफ सिलेक्शन में नहीं माना होता उनका, आपको आप फिर भी वहां से कोर्स करते हैं क्योंकि आपको पता नहीं होता। आप उस टाइम जब कोर्स करते हैं आपका बचपना मानिए या गाइडलाइन करने वाला नहीं होता है और आप अंधेरे में रह जाते हो क्योंकि आपने कंप्यूटर से मतलब होता है, आपको ये नहीं पता है कि वो सेंटर रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो देखिए, अब हरियाणा में जैसे पटवारी आदि कल लोगों की जो भर्ती आएगी, मैंने पहले भी काफी वीडियो बनाए, काफी लोगों के एडमिशन भी करवा चुके कोर्स में वन ईयर में भी, तो बिल्कुल कोई सुझाव आप लेना चाहोगे हमसे ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे बता देता हूँ, वन ईयर डिप्लोमा फॉर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ये हो गया डिप्लोमा एक। तो दूसरा डेस्कटॉप पब्लिकेशन ऑपरेटर, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क मेंटेनेंस एंड 6 मंथ डिप्लोमा ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर इश्यूड बाय स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। पहला तो यहाँ से होगा आपके, यहाँ से कोई डिप्लोमा तो जरूर मान्य होगा आपका हरियाणा की भर्ती में, ऐसा कोई माई का लाल नहीं है जो आपको रोक दे। दूसरा सर्टिफिकेट कोर्स होगा 124 आवर्स का, ये होगा CDSC। तीसरा सर्टिफिकेट होगा HKCL का, ये भी आपका कोई नहीं रोक सकता। और चौथा है हार्ट्रोन का डिप्लोमा आपके पास है तो किसी भी स्ट्रीम से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगला पांचवा है ऑल इंजीनियरिंग डिग्री, जितनी भी इंजीनियर की डिग्रियां हैं, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री आदि, जो साइंस बीटेक एमटेक बीएससी साइंस मास्टर कंप्यूटर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से या AICTE से अप्रूव्ड है, तो आपको UGC से अप्रूव्ड है, तो आपको कोई निमाई कलाल वहां से फॉर्म भरने से नहीं रोक सकता, नहीं आपको बाहर निकाल सकता। और नंबर छह पे हार्ट्रोन डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद हार्ट्रोन स्किल सेंटर, बिल्कुल। और सातवां है डिप्लोमा कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, देखिए जो डिप्लोमा हो गया आपका DCA का, वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, इनके वेलफेयर से आपका डिप्लोमा है तो आपको वो भी आपको कोई रोक नहीं सकता। और आठवां डिप्लोमा आ गया कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम रेड क्रॉस सोसाइटी, जहाँ पे जो रेड क्रॉस सोसाइटी एक बार काफी मशहूर हो चुकी है, उसके बाद हार्ट्रोन ने सभी संस्थानों की जगह ले ली क्योंकि हार्ट्रोन सबसे रजिस्टर्ड है जो गवर्नमेंट संस्था है, तो रेडक्रॉस का भी यहाँ पे चलने वाला। नंबर 9 पे है डिप्लोमा कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, यानी कि NISD अप्रूव्ड फ्रॉम MHRD एनी स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि MHRD से अप्रूव्ड किसी भी आप सेंटर से करते हैं तो वो भी आपका डिप्लोमा मान्य होगा, जैसे कि हमने किया हुआ, मैंने डिप्लोमा भी दिखाए हुए हैं, काफी लोगों के यहाँ पे एडमिशन भी करवाए हैं। और 10वां है जो डिप्लोमा कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट, यानी कि DRDA से। और 11वां है डिप्लोमा कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम NILIT IT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो काफी लोगों के कोर्स हम करवा चुके हैं ऑनलाइन, हम आपको बताते हैं फॉर्म कैसे भरना, आपकी तैयारी भी करवाते हैं NILIT के जो होते हैं। और 12वां है जो डिप्लोमा कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम एनी विंग ऑफ इंडिया फोर्स, यानी कि आर्मी एयरफोर्स नेवी आदि से कोई भी आप कंप्यूटर डिप्लोमा हो तो वो भी आपका चलेगा। 13वां है जो डिप्लोमा कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम ET&T कॉरपोरेशन लिमिटेड से हो। और 14वां रहेगा आपका कंप्यूटर डिप्लोमा इश्यूड बाई कॉलेज एफिलेटेड रिकॉग्नाइज टू यूनिवर्सिटी फार्मर अंडर स्टेट एक्ट सेंट्रल एक्ट, तो देखिए अगर आपको कोई कॉलेज में आपको डिप्लोमा प्रोवाइड करवाए तो वो भी आपका बिल्कुल चलेगा। और 15वां जो PGD से आपके पास अगर है तो वो भी चलेगी। और 16वां 3 साल का डिप्लोमा होगा आपका, वो भी चलेगा कंप्यूटर का, IT पॉलिटेक रिकॉग्नाइज बाय टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये 16 प्रकार के जो डिप्लोमे मैंने बताए, यहाँ से काफी सेंटर जो लगभग अप्रूव्ड में आ जाते हैं, कोई एक आध सेंटर रहता होगा, अगर आपके पास इनमें से कोई कंप्यूटर है तो यानी कि जो हरियाणा में भर्ती निकलेगी 3 माह का कोर्स होना चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो अच्छी बात, अगर नहीं है तो बिल्कुल भी आप घबराइए नहींगा। नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप हमारा देख भी रहे हैं और कमेंट में आप अपना सवाल लिख सकते हैं। यहाँ से आपने कंप्यूटर कोर्स किया तो बिल्कुल आप पटवारी ग्राम सचिव जिला की जो वैकेंसी आई है जेलदार की जो इसको बोलते हैं, तो बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हो और कलर का भी आप आवेदन कर सकते हो। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें। अगर आपके पास कोई डिप्लोमा आपने कहां बताना कि सर हमारा चेक करें तो आप हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं डिप्लोमा अपना वेरिफिकेशन के लिए, तो बिल्कुल वीडियो को शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा संख्या में, कोई गुमराह ना हो। और हमारा वाईफाई टीच वाला यूट्यूब चैनल है जो बिल्कुल
कंप्यूटर से जुड़ी हर जानकारी, जॉब आपके लिए तैयारी करवाता है, CTC की भी तैयारी करवाता है, किसी भी भारत के कोने से कोई कंप्यूटर की जॉब आती है आपको जरूर सबसे पहले बताता है। तो सबसे सारी जानकारी जो जॉब की आप पाना चाहते हो हमारे साथ जुड़े रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें। आपका समय शुभ।